वापस। आप तो जग्गू दादा जैसे आदमी से रोज मिलते हैं, आपको क्या लगता है क्या वो सच कह रहे हैं? मेरा तजुर्बा कहता है कि जग्गू सच कह रहा है। इसकी दो वजह। पहली वजह तो ये कि जग्गू जैसा पेशेवर कातिल बेवजह किसी का कत्ल करके अपने आप को कानून के फंदे में नहीं फंसाना चाहेगा। और जब उसने तुषार के कत्ल के लिए उसे कहा ही नहीं तो उसका खून क्यों करता? और दूसरी वजह, जहर देकर कत्ल करना इन लोगों का तरीका भी नहीं। खैर, असली मुजरिम तक तो हम पहुंच ही जाएंगे क्योंकि यही हम जासूसों का काम है, बशर्ते आप हमें ये काम करने दे तो। क्या मतलब? आपको किसने रोका है? तुम तीनों ने। हमने? हमने क्या किया है? अरे करने के लिए बाकी क्या छोड़ा तुम लोगों ने? क्या जरूरत थी झांसी की रानी की तरह गुंडों के अड्डे पे धावा बोलने के लिए? देखा ना, तुमने गोलियां चल रही थी वहां पे। अगर तुम में से किसी को गोली लग जाती तो? मगर हम क्या क्या अगर मगर क्या अगर मगर तुम लोगों को मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं था क्या? था। हमने आपसे फोन पर बात करने की बहुत कोशिश की मगर आपसे बात ही नहीं हो पाई। वो इसलिए कि जग्गू और उसके आदमियों को पकड़ना मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। मैं अपने आदमियों को जुटाने के इंतजाम में लगा हुआ था। लेकिन तुम लोगों को तो सब्र करना चाहिए था ना, मेरा इंतजार करना चाहिए था। तुम लोगों ने कैसे अटैक कर दिया? वी आर सॉरी, आई अंडरस्टैंड। हमारा अकेले अटैक करना आपको अच्छा नहीं लगा होगा। एक्चुअली एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव के लिए ये वाकई है। बात सिर्फ प्रोफेशन की नहीं है, सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अगर आज तुम में से किसी एक को भी कुछ हो जाता तो शायद मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकता था। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि तुम लोग अब मेरी जिम्मेदारी? मैं सिर्फ तुम्हारा कैसे समझाऊं मैं? समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके चेहरे पर एक बड़े भाई का प्यार साफ दिखाई दे रहा है। एंड वी आर वेरी सॉरी, आइंदा हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये आपकी तीनों बहनों का वादा है आपसे। अगर हमारा सगा भाई भी होता तब भी वो अपनी जान हमारे लिए खतरे में कभी नहीं डालता। ठीक है, बस अब और ज्यादा मुझे इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चलो।